अवैध शराब बिक्री करने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से कुल 1,07,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। हालांकि इस वक्त एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपान पवार ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि इतवारी रेलवे स्टेशन के पास भारतीय अखाड़ा समीप आरोपी बातल बरम कर ये अवैध तरीके से शराब बिक्री कर रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और आरोपियों से लगभग 1,07,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी आकाश बरम कर और आरोपी खुशाल बारापाती को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी बादल बरम कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपान पवार ने दी। गुन्हे शाखा युनिट 3 च्या पथकाला एक गुप्त माहिती मिळाली होती की इतवारी रेल्वे स्टेशन समोर अवैधपणे दारू विक्रीसाठी आणलेली आहे आणि विक्री चालू आहे। त्यानुसार आमचे युनिट 3 चे अधिकारी API मोरे साहेब आणि जाधव मॅडम व पथक यांना त्या ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी आम्ही रवाना केले। त्यानुसार त्यांनी त्या ठिकाणी प्रथम पाहणी करून छापा कारवाई केली। छापा कारवाईमध्ये इतवारी रेल्वे स्टेशन समोर एक गायवाडा आहे, त्या ठिकाणी आकाश बरमकर यांच्या घरी त्यांचा मुलगा बादल, दुसरा त्याचा भाऊ आकाश आणि बादल हे दोघं जण त्या ठिकाणी हा व्यवसाय करतात। त्यांचा इतर एक साथीदारासह असे मिळून आले, पण त्यामध्ये बादल पळून जाण्यात यशस्वी झाला। दोघांना ताब्यात घेतले। त्या ठिकाणी साधारणतः 200 लिटरच्या आसपास गावठी दारू, तसेच विदेशी व्हिस्की बॉटल, काही देशी दारूच्या बॉटल अशा अंदाजे 10,710 रुपयाचा मुद्देमाल ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर कारवाईची चालू आहे। इस कार्यवाही को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, पुलिस उपायुक्त डिटेक्शन गजानन राजमानी, सहायक पुलिस आयुक्त नलवाड़ी, इनके मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के कर्मचारियों ने किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।